परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संत बाबा अतर सिंह जी महाराज जदों पंजाब तो हजूर साहब की यात्रा वाल आउण लगे तो संत जी ने संसारी कपड़े उतार दिते, सिर ते खद्दर का छोटा दस्तारा टेढ़ कशहरा अते मोढ़े ते दो हाथ का खद्दर का परना रख लिया। अठो पहर शब्द के अभ्यास विच लगे रहिंदे, प्रशादा अठ पहरा इको वारी छकदे ते किसे किसे दिन ना भी छकदे। गोदावरी का पानी छक के ही प्यारे की याद विच समा बिताउंदे, सारे ही सेवक आप जी का सत्कार करदे, पर भाई हजूरा सिंह जी ग्रंथी अते भाई थम्मण सिंह जी रागी दोदर वाले आप जी नाल बहुत प्रेम करदे। इस पुजारी बुंगे संत जी एक साल सत महीने रहे, दिन नूं एक चबूतरे ते बैठ के श्री जपजी साहब दे पाठ करी जांदे, दरिया विचों गीटे गिण के लियांदे ते ज्यों ज्यों पाठ हुंदे जांदे गीटे गोदावरी विच सुटदे जांदे। आप दे कहण अनुसार आप लई दोपहर दे समें इको वड्डा तह तोड़ प्रशादा सेवक लियांदा, उस दे उपर ही दाल जां भाजा रख्या हुंदा, आप हथ ते लै के छक लैंदे ते गोदावरी तो बुक नाल पानी छक के शुकर करदे। गुरमंत्र दा जाप सारी सारी रात गोदावरी दे कंडे जो छोटी गुफा है उस विच बैठ के करदे रहिंदे। कदी कदी बुंगे उपरली छत पर एक छोटी जिही कोठड़ी विच जा बैठदे, गुरमंत्र दे मूल मंत्र तो छुट इस घाट दी कुटिया विच आपने थिर घर बैसो हर जन प्यारे ते गुरु घर दे गायत्री मंत्र गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे दी वी अतुट आराधना कीती। उस समय आप जी किसे नाल गलबात ना करदे, कोई बचन करदा तां आप हाथ जोड़ देंदे जां परे चले जांदे। अधीनगी बहुत सी, हर एक सिख दी पैरी पैंदे ते कोई कौड़ा बचन भी करदा तां चुप रहिंदे। उस समय दियां इह साखियां साडे सामने संत जी दे वैराग तपस्या अते प्रेम दा नक्शा रखदियां हन। एक दिन आप गोदावरी दे किनारे किनारे चलदे होए 3 मील निकल गए ते एक एकांत थां समझ के दरिया दे पानी विच जिथे गोडे गोडे पानी सी खड़े होके तप करदे रहे। आहार आप दा केवल गोदावरी दा जल ही सी। 8 दिन बीत गए, एक रात भाई नानू सिंह जी पुजारी नूं सुपना आया कि गुरु दा प्यारा गोदावरी किनारे कई दिन तो तप कर रहा है। उसने 8 दिन तो अन्न ग्रहण नहीं किया, तुसी उसनों जाके प्रशादा छकाओ। दिन चढ़े भोग पिछों पुजारी जी प्रेम नाल प्रशादा तैयार करवा के लै गए ते गोदावरी दे कंडे कंडे कोई 2 मील तक ढूंढ के मुड़ आए। रात नूं फिर पुजारी जी नूं सुपना आया कि 1 मील होर अगे जाओ अते जाके प्रशादा छकाओ। सो अगले दिन उह उत्थे पुज गए तां संत जी नूं गोडे गोडे पानी विच खड़े वेख्या, निम्रता सहित प्रशाद छकण लई बेनती कीती पर संत जी ने ना कर दिती। ता आप ने दोहां रातां दे सुपने कह सुनाए ते कहा कि यह मेरे उपर आप जी की कृपा होवेगी वरना मैनू नींदर नहीं आ सकेगी। इस ते आप जी ने प्रशादा छक लिया। इस तरह हजूर साहब आउंदिया एक प्रेमी ने कुछ रुपये एक कपड़े विच बन के खर्च लई दिते सन। वह रुपये कपड़े समेत आप जी ने एक झाड़ी थले दब दिते, बंदगी करदिया कदी कदी उन्हां वल ध्यान चला जांदा सी। आखिर आप ने वह कपड़ा पुट के रुपइयां दा छट्टा दरिया विच वगा के मारिया अते इस तरह माया लई आउंदा रहिंदा ख्याल खत्म कर दिता। इत्थों 400-500 कदम ते गौतम घाट है, इत्थे एक बहुत पुराना बौड़ दा रुख है जिस दे हेठ एक पुरानी गुफा है। इत्थे भी कदी कदी आ बैठदे। एक दिन प्रेमी प्रशादा लै के आया तां की वेखदा है कि एक बहुत वड्डा नाग फण खिलारे संत जी दे सामने बैठा है। पहला तो वह डरिया पर ज्यों ही वह नेड़े गया सप चला गया। संत जी ने उस प्रेमी ने दसिया कि इस थां बहुत भारी नाग इत्थे बैठा होया सी। आप जी ने कहा भाई प्रेमी दर्शन देण आया सी। नगीना घाट गोदावरी कंडे तप करद्या हीरा घाट माता जी दे अस्थान ते शिकार घाट का इतिहास तो आप जी ने सुन रख्या सी। एक दिन सवेरे ही आप गोदावरी दे कंडे कंडे तुरदे हीरा घाट जा पुजे। यह नगीना घाट तो 6 मील की दूरी पर है।
संत जी ने दोपहरा हीरा घाट कटिया, सेवक ने प्रशादा छकाया ते इतिहास सुनाया। रात नूं आप माता जी दे स्थान ते पुज गए ते रात भर माता जी दी गोद विच गुजारी। सवेरे उत्थों चल के शिकार घाट आ गए। गोदावरी दे कंडे बहुत सुंदर ते चंगा स्थान है। गोदावरी ने इत्थे सप वांगू कई वाल खाधे हुए हैं। शिकार घाट की हवा, सुंदर जल का कुंड ते इत्थों दे एक सेवक दे गरीब सुभा ने संत जी नूं प्रेर लिया। आप इत्थे ही टिक पए ते 3 महीने रहे। कदी कदी अगे जंगल विच जा के भजन आदि करदे रहिंदे। अपनी मौज विच सवेरे ही टुर के माता जी दे स्थान ते हीरा घाट मत्था टेकदे वापस सचखंड दरबार आ गए। पुजारी घाट बुंगे विच फिर डेरा किया। आप जी ने 25,000 पाठ श्री जपजी साहब दे गुरद्वारा शिकार घाट विखे किए अते 1,00,000 पाठ श्री जपजी साहब जी दे नगीना घाट किए सन। आप जी ने मस्तानी दशा विच जो हर समय 8 पहर नाम सिमरन विच मगन रहन करके हो गई सी, गोदावरी विच छाल कढ मारी के शरीर नूं की रखना है। संत बाबा अतर सिंह जी नूं धन धन कलगीधर पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने उस वक्त दर्शन दिते। उन्हां दे दर्शन पा के संत अतर सिंह जी महाराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होए अते उन्हां ने अपना जीवन धन कर लिया। धन कलगीधर पातशाह ने संत अतर सिंह जी नूं आदेश दिता, सावधान हो, तू पंजाब ते सारे देश विच सत नाम दा चक्कर चलाउणा है ते अमृत दा प्रचार करना है। आप जी नूं श्री हजूर साहब 2 साल हो गए सन। एक दिन आप थोड़ियां दातणा लै के दरबार साहब हाजिर होए ते पंजाब वापस जाण दा अरदासा सोध दिता। पुजारी सिंह जी बस्तर आदि दे रहे सन पर आप ने नहीं लए। सो साह संगत जी, इस तरह संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआने वाले ने बहुत कठिन तप श्री हजूर साहब किया। हौं बलिहारी तिन को जिन ध्याया हर निरंकार, ओना के मुख सद उजले ओना नू सब जगत करे नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।